सो हेलो एवरीवन, और डेफिनेटली आज के वेबिनार को हम सभी को जो है ऐतिहासिक बनाना है, और उसके लिए ज़रूरी है कि भाई हमें इस वेबिनार को अटेंड तो करना ही है, लेकिन कुछ बातें होती हैं जिसकी वजह से कई बार अटेंड हम वेबिनार नहीं कर पाते हैं या बार बार आउट हो जाते हैं, उसके कई रीजंस होते हैं। और यही वजह होती है कि वेबिनार में हम कई बार क्या होते हैं, क्लिक करते हैं, एंटर करते हैं, फिर आउट हो जाते हैं, और उसके बाद फिर से जुड़ने की कोशिश करते हैं पर हो नहीं पाता है। तो कुछ चीज़ें हैं, कुछ छोटे छोटे पॉइंट हैं जिसका हम ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो वही मैं आज आपके साथ में शेयर करूंगा। तो अपने लोगों तक इसको ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन तक भी जो है इन्फॉर्मेशन पहुँच सके। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर बोलना चाहूँगा कि भाई आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि भाई अपना जो, अगर आप मोबाइल पर चला रहे हैं तो आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि अपना जो GB है, जैसे नॉर्मली हम 2-2.5 GB का यूज़ करते हैं, 3 GB का एक दिन में करते हैं, कोशिश ये कीजिए कि कम से कम 8 से 10 GB अपने पास रखिए। क्यों? क्योंकि जब हम वो कनेक्ट में चलाते हैं, जब हम जाते हैं उसमें, जब वेबिनार में बैठते हैं, तो बहुत जल्दी हमारा ये GB जाता है, तो इसका ध्यान रखिए। तो अपना GB थोड़ा ज़्यादा लेकर के चलिए, 10-12 GB लेकर के चलिए। भाई देख, हफ्ते में 1-2 बार ही हमारा वेबिनार होता है, तो भाई इतना तो हमारा बनता है कि हम कम से कम 8 से 10 GB लेकर के चलें, ताकि वेबिनार के जो कुछ पॉइंट हैं वो मिस ना करें, क्योंकि बहुत ज़रूरी होता है। और स्पेशली जब ऐश मुफारिस आप आएँ तो ज़रूर जो है आप उसको बिल्कुल मिस मत करिएगा, राइट। तो ये इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और दूसरी बात ये कि अगर हो सके तो बेस्ट तो वाईफाई कनेक्शन आपके पास हो तो उसका ज़रूर यूज़ करिए, क्योंकि वाईफाई में बहुत बढ़िया चलता है। लैपटॉप और डेस्कटॉप पे आप चलाएंगे तो बहुत ही शानदार वो चलता है। तो वाईफाई अगर आपके पास कनेक्शन हो तो उसका यूज़ करेंगे तो आप आराम से जो उसमें और भी डिवाइसेस जो है ऐड कर सकते हैं। मतलब वाईफाई का कनेक्शन है तो आपके पास घर में 3-4 डिवाइस है, तो ज़्यादा लोगों को आप अपने जोड़ सकेंगे, और अपने फैमिली में जो भी और मोबाइल वगैरह हैं उसको भी आप जोड़िए, ताकि हमारे वहाँ पर जो अटेंडेंस जो है वेबिनार में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दिखे, ताकि हमारा भी वहाँ पर एक टेस्टिंग टाइप भी हो जाएगा, और ज़्यादा लोग जो है 40-50 हज़ार जो भी होना चाहें वहाँ पर उससे ज़्यादा ही हो सके। तो इन चीज़ों का भी आपको ख्याल रखना है। और एक चीज़ और है कि यहाँ पर बहुत से लोग हैं जो पुराने डिवाइसेस का यूज़ करते हैं, मतलब जिनके 2016, 15, 14 के मोबाइल हैं और उसको अभी भी यूज़ कर रहे हैं, तो उसमें दिक्कत क्या आती है कि उसमें चलाने में थोड़ा सा दिक्कत आता है। देखिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी जैसे जैसे आती है तो समय के साथ साथ हर चीज़ चेंज होती है, लेकिन कई लोगों के पुराने मोबाइल हैं उनको एक दिक्कत आती है। तो उनको ये बोलूँगा कि अपनी जितनी भी ब्राउजिंग हिस्ट्री है आप हिस्ट्री में जा कर के सारा मोबाइल को पूरा फ्रेश कर लीजिए, एकदम रिफ्रेश कर लीजिए, ताकि आपको जब आप ऑन पैसिव के ओकनेक्ट में कनेक्ट हो तो ये सब पुरानी जो हिस्ट्री आती है, कुकीज़ वगैरह आती है, वो आने की वजह से क्या होता है, प्रॉब्लम होता है मोबाइल में बहुत ज़्यादा। और जो है आप ब्राउजिंग करते हैं बार बार तो आपका डेटा भी ज़्यादा जाता है और आपको दिक्कत आती है। तो उसको सारी हिस्ट्री को डिलीट कर दीजिए, आपका गूगल क्रोम यूज़ करें या मोज़िला फ़ायरफ़ॉक्स, जिसको भी यूज़ कर रहे हैं तो वो आप करिए, तो आप देखिए कितना बढ़िया, फिर आपका मोबाइल पुराना भी होगा तो भी अच्छा चलेगा वो। और डिवाइसेस अगर बेस्ट हो, नया हो आपके पास तो नई टेक्नोलॉजी के हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन पुराने हैं तो प्लीज़ इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। ऐसी गलती है जो कई लोग कर देते हैं, उसमें देखिए क्लियर लिखा होता है कि आप जब लिंक पे क्लिक करते हैं तो उसी लिंक के नीचे जो एक पासवर्ड दिया होता है जो कंपनी की तरफ से हमको मिलता है, तो हम क्या करते हैं कि जब जाते हैं लिंक पे क्लिक करते हैं तो अपना ओमेल डालते हैं, जैसा xyz@omail.ai, तो अपना omail.ai ये भी डालना है। और उसके नीचे जब आप जाएंगे तो पासवर्ड जो है दिया होता है, पासवर्ड कौन सा डालना है, जो लिंक के नीचे पासवर्ड जो कंपनी ने भेजा है उसको डालना है, कॉपी करके आप उसे डाल दीजिए और ओपन कर लीजिए। तो कई लोग गलती यहाँ पे ये करते हैं कि भाई वो अपना ओमेल का पासवर्ड डाल देते हैं, वो मत करिए, ठीक है, जो कंपनी की तरफ से पासवर्ड आया है वो डालना है। चीज़ और है कि जो वेबिनार हमारा जो होता है वो उसकी जो लिंक, कई बार जो आप देखो लास्ट टाइम जो है हमारे ईमेल आईडी पर लिंक आई थी, तो कई लोग पूछे ओमेल पे आएगी या ईमेल पे, तो उसकी जो लिंक है हमारे रजिस्टर्ड ईमेल के ऊपर आती है। अब किसी कंडीशन में वो आती है, कभी नहीं आती है, कहीं जैसे मेरे भी कहीं अकाउंट है, मैंने लास्ट टाइम बताया था किसी पर आया था मेल, किसी पर नहीं आया था। तो अगर आपके ईमेल पर अगर लिंक आती है तो आप चेक कर लीजिएगा जब भी उसकी लिंक आती है, अगर नहीं आती है तो टेंशन मत लीजिएगा। आपको जब भी वेबिनार शुरू होता है तो उसके पहले जो है पॉपअप पे लिंक आ जाता है, तो लास्ट टाइम ऐसा ही होता, कई लोग जो है ईमेल के थ्रू तो गए थे, बाद में पता चला कि मिस्टर ऐश मुफारिस ने अलग फिर बाद में आकर के हमको लिंक दी थी कि भाई अब इस लिंक पे जुड़ना है, तो उसमें कई लोग जो है कम हो गए थे, पहले मतलब पहली लिंक पे गए थे उसके बाद पता चला कि दूसरी लिंक आ गई, तो इसलिए आपको अपडेट रहना पड़ेगा कंटिन्यू। मतलब आपको अगर ईमेल पर आ जाती है
लिंक तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं आती है तो कोई बात नहीं, आप जो है ofounders.net पर देखिएगा, बाद में जब भी उसके पॉपअप के ऊपर लिंक आता है तो वहां पर जाकर के आप फिर कनेक्ट हो जाइए। और एक चीज का ध्यान रखिए, अगर आप एक बार लॉग इन हो गए हैं, ध्यान से सुनिएगा, अगर आप एक बार लॉग इन हो गए हैं तो आप जाके जो है वेबिनार में जा चुके हैं एक बार, और फिर बाय चांस कभी आउट हो जाते हैं, किसी वजह से आप बाहर हो जाते हैं, तो आपको फिर से जो है पासवर्ड वगैरह डालने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी आपके पास लिंक है जो पॉपअप है, उस पर फिर से क्लिक करेंगे तो आप डायरेक्टली जो है वेबिनार में इंटर हो जाएंगे, तो अलग से लिंक पे आपको जाने की बिल्कुल जरूरत नहीं होगी, आप डायरेक्टली जो है लिंक पर जो है चले जाएंगे, ठीक है। और वेबिनार में अपडेट्स काफी सारी होती हैं, तो नॉर्मली जब हम अपडेट सुनने के बाद में, जब हम मैं भी खुद भी वीडियो बनाता हूं या कोई और लोग भी वीडियोस बनाते हैं, तो वो हमने जो वेबिनार अटेंड किए तो उसमें देखिए पूरी इंफॉर्मेशन हर कोई नहीं दे पाता, क्योंकि बहुत सारी अपडेट होती है। तो जब बैक ऑफिस में बाद में जब वेबिनार हो जाता है, उसके बाद में जब बैक ऑफिस में अपडेट आती है ofounders.net पे, तो उसको जाकर के आप जरूर से सेकंड बार में देख लिया कीजिए, क्योंकि जो मेन मेन पॉइंट होते हैं कई बार किसी से मिस हो जाते हैं, वो बता नहीं पाता है, मैं भी खुद भी कभी पॉइंट होते हैं कुछ बता पाते हैं कुछ नहीं बता पाते हैं, तो आपको बैक ऑफिस में बाद में जब भी वेबिनार होता है तो उस जो भी हमारी अपडेट आई है उसको बैक ऑफिस में जाके जरूर देखा कीजिए, और एक एक पॉइंट को जो आप ध्यान से देखा करिए। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं उसका आपको ख्याल रखना है, और यहां पर अपडेट्स क्या आएंगी क्या होने वाली है ये तो बैक ऑफिस में जब हमारा लिंक आएगा उसके बाद में वेबिनार आप अटेंड करेंगे तो उसमें क्या अपडेट आती है बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी जो भी होगी, और उसी को एक्सेप्ट करिएगा, जो भी बेहतरीन से बेहतरीन हमको अपडेट देखने को मिलेगी। तो इस वेबिनार को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाइएगा, अपने लोगों तक उसको शेयर कीजिएगा, और ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं, और इस बार हमको डेफिनेटली ऐतिहासिक इस वेबिनार को बनाना है। तो बस ये छोटी छोटी बातों का ध्यान रखिए, अदरवाइज तो बहुत शानदार आज का डेफिनेटली हमारा जो है ऐतिहासिक वेबिनार होने वाला है।